बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू साइंस क्लास। वी आर स्टडिंग यूनिट नंबर टू, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, एंड आर टॉपिक फॉर टुडे इज एस्थमा। व्हाट इज एस्थमा? एस्थमा क्या है? एस्थमा इज एन एलर्जी दैट कॉजेज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। एस्थमा को उर्दू में दमा कहते हैं, दमा की बीमारी। ये एक एलर्जी होती है जिसकी वजह से जो लंग्स के एयरवेज होते हैं, मतलब जो लंग्स के अंदर ट्यूब्यूल्स या ब्रोनोकाई ब्रोनोक्यूल्स होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। स्वेल होना है सूजन हो जाना, और नैरो है तंग हो जाना। लंग्स की एयरवे स्वेल हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको एस्थमा होता है वो क्या करेगा? आप पर्सन विद एस्थमा में वीज का मतलब कि जब वो सांस लेगा तो उसकी सांस की आवाज़ के साथ विस्लिंग की साउंड भी आएगी, ठीक है, और उसको खांसी होगी, कफ होगा, एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और चेस्ट में उसको टाइटनेस फील होगी, खिंचाव फील होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज़ एस्थमा, तो ये थ्री लाइन्स इसका आंसर आएगा, ठीक है। द थिंग्स दैट कैन कॉज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो चीज़ें जो एस्थमा कॉज कर सकती हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। अब एलर्जेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डस्ट माइट्स आ जाते हैं, या डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, सम फूड्स में कॉज एस्थमा, और कुछ फूड्स भी होती हैं जो एस्थमा कॉज कर सकती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है व्हाट आर एलर्जेंस, ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये टू लाइन जिसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। सिम्टम्स क्या होते हैं एस्थमा के? सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमा अटैक मे बी कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड इंक्रीज पल्स रेट। एस्थमा अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसे खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, वीजिंग अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब भी कोई एस्थमा पेशेंट सांस लेगा, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, सांस बंद होने लगता है, चेस्ट पेन होती है, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एंड इंक्रीज पल्स रेट, और पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। सीवियर एस्थमा अटैक में लीड टू डेथ, जिसको सीवियर अटैक आ जाए एस्थमा का, उसकी डेथ भी हो सकती है। आगे है ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा या क्योर, हाउ कैन वी क्योर एस्थमा। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्थमा, बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा। एस्थमा का जो इलाज है वो इतना ईजी नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल थोड़ा बहुत किया जा सकता है। किस तरह से? कुछ टिप्स हैं यहाँ पे। ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ एस्थमा। एस्थमा कॉज करने के जो एलर्जेंस होते हैं उनको अवॉइड किया जाए, जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उन जगहों से अवॉइड किया जाए जहाँ पे, या मास्क वगैरह पहन लिया जाए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इट विल गिव यू रिलीफ। ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इन्हेलर्स। डॉक्टर्स की एडवाइस पे मेडिसिन यूज़ करें या इन्हेलर यूज़ करें। ये एक डायग्राम है, आपको इन्हेलर यूज़ मतलब नज़र आ रहा होगा, कुछ लोगों को आपने इन्हेलर यूज़ करते हुए भी देखा होगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, हाउ कैन वी क्योर एस्थमा। तो इसका ये थ्री पॉइंट्स होंगे, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? डिफाइन एस्थमा वन, व्हाट आर एलर्जेंस टू, सिम्टम्स ऑफ एस्थमा थ्री, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा फोर। फोर क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है इन्हेलर यूज़ करता हुआ दिखाया हुआ है कि जिसको एस्थमा होता है वो इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट होम असाइनमेंट है, डिफाइन एस्थमा, व्हाट आर एलर्जेंस, राइट सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, हाउ एस्थमा कैन बी क्योर, एंड ये फोर क्वेश्चन हैं, इनको आपने क्या करना है? लर्न एंड राइट करें इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक्स पे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।